बजे अभी है 1-10 मिनट तो हम शुक्रिया। अच्छा, ये जो टॉपिक है, अगर आप पुराना आउटलाइन देखें इसकी CSS की, पुरानी आउटलाइन देखें CSS की, और आप नई आउटलाइन जो आप लोगों के लिए जिस पे हमने इम्तिहान पहले तो डील हो गई आउटलाइन, तो वो आउटलाइन और ये आउटलाइन, उसमें जो कॉमन एक टॉपिक है वो ये भी है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान या टू नेशन थ्योरी। अब ये ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा को पढ़ते रहे हैं पिछले 16 साल से, यानी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में, हम सब जो है वो ये पढ़ते रहे हैं, लेकिन ये अपेरेंटली तो बड़ा आसान टॉपिक लगता है, लेकिन CSS के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज थोड़ा सा एक इसमें टर्म ऑफ विरासत की मैं समझता हूँ कि वो जरूरत जो है वो जरूरी है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज टू नेशन थ्योरी या आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान दो कौमी नजरिया या नजरिया पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में ना बहुत फ्रीक्वेंटली लोग इसके बारे में डिस्कशंस करते हैं, चाहे किसी को समझ हो या ना हो, लेकिन हर आदमी जो है वो इस पर जो है वो ये समझता है कि मैं प्रोफिशिएंट हूँ और आई हैव द अथॉरिटी। हर आदमी समझता है कि मेरी एक अथॉरिटी है और मैं इस चीज़ को समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझने की भी जरूरत है और इस पर अमल दरामद की जरूरत जो है, ऑपरेशनल साइड जो है मेरा, मैं हमेशा कहता हूँ वो बहुत ज्यादा जो है वो वीक एस्पेक्ट है इसका। ठीक हो गया। तो आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी क्या है बेसिकली? आइडियोलॉजी जो है दैट इज सेट ऑफ आइडियाज। आइडियोलॉजी सबसे पहले तो हमें समझने के, व्हाट इज आइडियोलॉजी? आइडियोलॉजी जो है वो दैट इज set of ideas or norms on which the collective ideals of a community or a nation are based. ठीक हो गया। ये एक है कि ये set of ideas हैं या norms हैं, यानी जो ideas mean perceptions या norms, norm ideas और perceptions जो होते हैं वो उसका होता है आपके thinking process से आपका बुनियादी तौर पर ताल्लुक होता है, और नॉर्म्स जो हैं वो आपके बुनियादी तौर पे अप्लाइड साइड पे होते हैं। ठीक हो गया। ऑन विच द कलेक्टिव आइडियल्स ऑफ अ कम्युनिटी, कलेक्टिव आइडियल्स ऑफ अ कम्युनिटी जो है वो कलेक्टिव आइडियल्स ऑफ अ कम्युनिटी और अ नेशन आर बेस्ड। ठीक हो गया। ये कुछ परसेप्शन जिस तरह मैंने कहा, आइडियाज, थिंकिंग प्रोसेस, नॉर्म्स मीनिंग प्रैक्टिसेस, जो कलेक्टिव आइडियल्स हैं किसी भी कम्युनिटी के या नेशन के, तो उसको हम नॉर्मली कहते हैं आइडियोलॉजी। अच्छा जी, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, या ये कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, यानी कुछ ऐसे उसूल, अ फ्रेमवर्क, एक ढांचा, यानी अ फ्रेमवर्क ऑफ एक्शन एंड गाइडेंस सिस्टम, जिसमें जो है वो जिस पे जो है वो आपके कुछ ऐसे उसूल, कुछ ऐसा ढांचा, लाए अमल जिसको आप कहते हैं, और कुछ ऐसा गाइडेंस का सिस्टम,
ढांचा या ऐसा रहनुमा उसूल when we adopt those principles or frame of action or framework of action and guidance system, so that gives order. So वो क्या करते हैं? वो हमारी जिंदगी order का मतलब यहाँ पर discipline नहीं है. Order का मतलब यहाँ पर order का मतलब जो है वो यहाँ पर order का मतलब यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं है. ऑर्डर का मतलब यहाँ पर कोई हुक्म देना नहीं है. ऑर्डर का मतलब यहाँ पर है यानी डिसिप्लिन मीन के नज्म व जब्त का क्याम, यानी जो हमारी जिंदगियों में को स्ट्रीमलाइन कर दे. ठीक हो गया? डायरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है. आपकी बात ठीक है कि ऑर्डर का मतलब के स्ट्रीमलाइन कर दे, अलाइन कर दे, अलाइनमेंट. यहाँ ऑर्डर का मतलब है अलाइनमेंट, एक स्ट्रीमलाइन करना. ठीक हो गया? एंड मीनिंग्स टू लाइफ एंड ह्यूमन एक्शन. और जिंदगी में क्या कर दे, जिंदगी में क्या कहते हैं, मानी भर दे. ठीक हो गया? जिंदगी में मानी भर दे, यानी जिसको जब एक इंडिविजुअल अपनाए या एक कॉम अपनाए तो उसकी जिंदगी का मकसद जो है उसको वाजे हो जाए. ये आप सबके लिए, मेरे लिए एक सवाल है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी का क्या मकसद है और हमारी जिंदगी का क्या मकसद है. ये हमारी आइडियोलॉजी है. अगर हम मेजॉरिटी हमारे मकासद नेशनल लेवल पर, ब्रॉडर लेवल पे, उस पे वननेस होगी, उस पे हमारी क्लैरिटी होगी, उस पे हमारा इत्तफाक राय होगा, तो इसका मतलब यह है कि वी आर लीडिंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक हो गया? जो जिंदगी में मानी भर दे. आइडियल्स, आइडियल्स मीन के आइडियल्स ऐसे डेस्टिनेशन होती है जिस तक मुश्किल से पहुंचा जाता है. ठीक हो गया? उस तक पहुंचने की कोशिश की जाती है, जिस तरह मैंने लिखा हुआ आगे कि विच अ नेशन, जो एक कॉम स्ट्राइव्स टू अकॉम्प्लिश, जिसके उसूल के लिए एक कौम कोशिश करती है. किस लिए? इन ऑर्डर टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू इट्स नेशनहुड. के जिससे क्या आ जाए, इस्तेकाम आ जाए. ठीक हो गया? जिससे इस्तेकाम आ जाए टू इट्स नेशनहुड, इसके कौम बनने में. ठीक हो गया? जिससे इसके कौम बनने में जो है वो क्या आ जाए, एक इस्तेकाम जो है वो उसको हासिल हो जाए, यानी स्टेबिलिटी जो है वो टर्बुलेंस से ना गुजरे वो कौन. ठीक हो गया? कि जिसमें हिचकोले ना हो, जिसमें झटके ना हो. ठीक हो गया? जिससे वो अपनी जो क्राइसिस में जो है भी वो जो है वो मिलजुल कर जो है वो, बिल्कुल वेरी गुड, रोड मैप फॉर एक्शंस, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, रोड मैप ऑफ एक्शंस भी बिल्कुल ठीक है. और स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी और टू इट्स नेशन हो, कि जिससे वो आखिरकार एक कौम बन गए, वो उनके ब्रॉडर जिस जो आइडियल्स हैं और ब्रॉडर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में जो है उनको आसानी जो है वो हासिल हो गई. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है? मुस्लिम फॉलो द इस्लामिक आइडियोलॉजी विच सिंपली बीट्स द वे ऑफ लाइफ बेस्ड ऑन द टेनेट्स ऑफ इस्लाम. कि मुसलमान जो है वो इस्लामी नजरिए को जो है वो फॉलो करेंगे, जिसका मतलब ये है कि वो उनका जो जिंदगी गुजारने के उसूल हैं वो इस्लाम के बताए गए उसूलों के मुताबिक है. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अ प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस. आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैं आर इसमें डाल देता एवोल्यूशन पे तो रेवोल्यूशन हो जाता. तो मैं ये लिख सकता था कि पाकिस्तान ये ज्यादा अट्रैक्टिव होता कि इट्स द प्रोडक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोसेस. मैं ये भी कह सकता था, लेकिन दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जो तहरीक है या पाकिस्तान का जो नजरिया है, ये कोई कोई बबल नहीं ब्रस्ट हुआ था, कोई एक सडन सडन
प्रोवोकेशन नहीं थी, बल्कि ये एक एक लंबी स्ट्रगल का जो है वो नतीजा है जो हमारे सामने आया कि प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, यानी एक एवोल्यूशन से हम गुजरे हैं, हम बहुत से मरहाहिल से गुजरे हैं, बहुत से मरहलों से गुजर के आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान बनी। 14 पॉइंट्स आए, नेहरू की रिपोर्ट उससे पहले आई 1909 के मॉडल में, जो रिफॉर्म्स आई 1919 की मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आई, 1940 का लाहौर का एड्रेस हुआ, 1930 का अलाहाबाद का एड्रेस हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बनी, 1885 में ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस बनी, 3rd जून प्लान आया, साइमन मिशन आया, गोलमेज कॉन्फ्रेंस करना कामी हुई, लखनऊ पैक्ट आया 1916 का, वगैरह वगैरह। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि ये एक लंबे एक सफर के बाद जो है वो हम 1947 तक पहुंचे। हिस्टोरिकल इवेंट्स प्रोवाइडेड द बेस, जिस तरह मैंने आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स अभी बताए, तो वो सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो थे उसने इसके लिए एक बेस जो है वो प्रिपेयर किया, ठीक हो गया, उसके लिए वजह जो है वो उसके लिए उसका तायुन किया अल्लामा इकबाल। और आप देखें कि एक ड्रीम बहुत जरूरी होता है, ड्रीम या परसेप्शन, एक ख्वाब जो है वो जरूरी होता है, ठीक हो गया, और वो ख्वाब और आइडिया, और फिर उस ख्वाब या आइडिया का एक नाम होता है, ख्वाब या आइडिया सर सैयद अहमद खान ने देखा, अल्लामा इकबाल ने देखा, फिर उसको आइडिया को टाइटल किसने दिया, टाइटल जो है वो मोहम्मद अली सॉरी चौधरी रहमत अली ने दिया, फिर उसके लिए कुछ रहनुमाई होती है, और इकबाल गेव इट्स अ फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन, इकबाल ने जो है वो एक उसको एक फलसफियाना जहत दी, वजाहत दी, जिन्हा ट्रांसलेटेड दैट इंटू रियलिटी, जिन्हा ने उस ख्वाब को फिर हकीकत में, यानी जो आर्किटेक्ट ने नक्शा खींचा था कि मुल्क कैसा होगा, तो उस आर्किटेक्ट को उसका मैमार कौन था, उसका बेसिक उसका बनाने वाला कौन था, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उसके लिए प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, वो प्लेटफॉर्म कौन सा था, वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी। पैसेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मार्च 1949 गेव इट अ लीगल सैंक्शन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो पैसेज है, ये बेसिकली ये क्या थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की जो पैसेज है ये इस चीज का एक एफर्ट थी कि पहले तो वो मुल्क नहीं था, वो ख्वाब जो देखा गया था, वो आइडिया जो बनाया गया था, अब हमने उस आइडिया को प्रैक्टिकल शेप कैसे देनी है, उसके लिए एक रेजोल्यूशन लाई गई कि ताकि फ्यूचर का जो आइन है वो कैसे बनेगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी करारदादे मकासद। इस पे हम 8 बजे हैं तो नमाज पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर वील कॉन्टिन्यू विद दिस, ठीक हो गया। वक्फा कर लें तो फिर विल मीट आफ्टर वाइल नमाज पढ़ने के बाद। चलें, शुक्रिया बहुत आपका।
सलमान ने कमेंट कुछ लिखा तो मैं वो पढ़ रहा हूँ, वो आप भी पढ़ लीजिएगा। सलमान गालबन ये कहना चाह रहे हैं कि वो घर तो हमें मिल गया, उसमें रहना कैसे है, तो ये हमें कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। हम अगर एक प्रॉपर नॉर्मल नॉर्म्स जो है अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे आप नहीं डाल सकते, और इसके रिस्पॉन्सिबल हम लोग खुद हैं। तो मैं इस हद तक इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि अब इसको अप्लाइड साइड में हमेशा इसको कहता हूँ अप्लाइड साइड, कि आपका जो हमने ऑपरेशनलाइज कैसे करना है इन आइडियल्स को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, वो ममूना साहिबा जो कह रही हैं कि ये फैब्रिकेटेड है, देखिए हमने तो एक सीएसएस का हमारा हदफ क्या है, पहले आप ये देखें क्या। मैं समझता हूँ आपकी बात को, तो मैं सारी ये बातें सुनता हूँ, करता हूँ, डिस्कशन भी होती हैं और फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट्स भी आते हैं। हिस्ट्री हमेशा हर जगह पे कॉन्कॉक्टेड, फैब्रिकेटेड, वन साइडेड, और जितनी एक नेशन जो है वो मेजॉरिटी की तरफ जाएगी उतना जो है वहाँ पर हिस्ट्री में एक निखार आता जाएगा और वो बेहतरी होती जाएगी। तो हमारे यहाँ मैं मानता हूँ इस हद तक कि हिस्ट्री हमारे यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव सूरत में तो आपको नजर नहीं आएगी, उसमें सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा मकसद क्या है, सीएसएस का इम्तिहान पास करना। सीएसएस का इम्तिहान ऑब्वियसली एक स्टेट वर्शन है, तो स्टेट वर्शन जो है वो आपको फॉलो करना चाहिए, मेरा तो उसके ऊपर ये कमेंट है। अच्छा, फिर पैसेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन मार्च 1949 गेव इट अ लीगल सैंक्शन। ठीक हो गया, और फिर अब देखें कि अब जब हमें एक मुल्क मिल गया तो उसको एक लीगल कवर जो है वो कैसे दिया जाए, उसको एक लीगल कवर जो है वो कैसे दिया जाए। ठीक हो गया, एक लीगल कवर जो है वो कैसे दिया जाए, उसके लिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो लाई गई। The ideology of Pakistan stemmed from the instinct of the Muslim community of South Asia to maintain their individuality. जो असल चीज है वो क्या है कि जो जिससे ये अक्स की गई है कि साउथ एशिया के जो मुसलमान हैं वो अपनी जुदागाना इनफरादियत या जुदागाना हैसियत को, या जुदागाना एक अच्छा वर्ड अब मेरे जहन में आया प्रॉपर, जुदागाना तशखस को बरकरार रखने की ख्वाहिश, जुदागाना तशखस को बरकरार रखने की ख्वाहिश जनूबी एशिया के मुसलमानों की, ठीक हो गया, उसके साथ जो है लिंक्ड है, उससे ये बर्थ जो है इस आइडियोलॉजी की लिंक की जाती है। नॉट एन इशू ऑफ टू डिफरेंट रिलीजन्स बट टू डिफरेंट सोशल ऑर्डर्स produce two distinct cultures. ये सिर्फ दो मजहब का ही मामला नहीं है बल्कि दो मुख्तलिफ समाजी रवैयों का और दो मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं, दो मुख्तलिफ जिसको आप कहें दो मुख्तलिफ सकाफतों का, तो ये सिर्फ दो मजाहब की आपस में जो एक आपको डिफरेंस नजर आता है उसका नहीं है, बल्कि समाजी रवैये जो हैं वो भी अमूमन एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इसी तरह जो है उसका जो कल्चर हैं वो भी आपको जो है वो डिस्टिंक्ट नजर आएंगे दोनों।
एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, TNT, टू नेशन थ्योरी। एल बेरूनी ने 1001 में क्या कहा था किताबुल हिंद में, द हिंदू सोसाइटी मेंटेन्ड दिस पेक्यूलियर कैरेक्टर ओवर द सेंचुरीज। हिंदू मुआशरे ने बरकरार रखा इस इनफिरादियत को, इस इनफिरादी कैरेक्टर को सदियों तक, उसको बरकरार रखा। किसको? अपनी इनफिरादियत को, इंडिविजुअलिटी। ये पीछे भी मैंने आपको जिक्र किया था, तशख्खुस को। हिंदू सोसाइटी ने अपने जुदागाना तशख्खुस को बरकरार रखा सदियों तक। द टू सोसाइटीज, दो मुआशरे, हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी हिंदुओं और मुस्लिम को, लाइक द टू स्ट्रीम्स, दोनों मुआशरों को दो नदियों की मिसाल दी गई। दो नदियों की, यानी दो मुतवाजी जो पानी के फ्लो हैं, पानी के बहाव की मिसाल दी दो स्ट्रीम्स की। हैव सम टाइम्स टच, कभी कभी जो है वो एक दूसरे के साथ लगते हैं, टच हो जाते हैं, बट नेवर मर्ज्ड। लेकिन कभी भी जो है वो एक दूसरे में जम नहीं हुए, नेवर मर्ज, ईच फॉलोइंग इट सेपरेट कोर्स। अलबेरूनी ने किताबुल हिंद में एक बहुत अच्छी मिसाल दी, और उन्होंने हिंदुस्तान को तशबीह दी दो स्ट्रीम्स के साथ, कि जहां पानी के दो बहाव हैं जो एक दूसरे के साथ मुतवाजी जो है वो फ्लो कर रहे हैं, और जो कभी टच तो करते हैं एक दूसरे को, यानी टच करना मीन इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन एक दूसरे में जो है वो जम नहीं होते। यानी क्रक्स क्या है, इशारा क्या है, कि अपने जुदागाना तशख्खुस को जो है क्या करते हैं, बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ रिलीजन का मसला ही नहीं है, बल्कि कल्चर्स और दो सोशल ऑर्डर्स भी जो है उसकी भी डिस्टिंक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले रिलीजियस डिफरेंसेस, के मजहबी दोनों मजाहब के आपस में क्या, उसके डिफरेंसेस क्या थे, यानी दोनों के परसेप्शंस, दोनों के जो जो बेसिक्स हैं वो एक दूसरे से मुतसादिम हैं। हिंदू नेशनलिज्म, यानी एक जो हिंदू कौम परस्ती के हर चीज में हिंदू डोमिनेशन, कल्चरल डिफरेंसेस, दोनों की सकाफतों के आपस में मुतसादिम होना, सोशल डिफरेंसेस, एक सोशल जो एक ऑर्डर, दोनों के जो समाजी रवैये हैं। इंडिया में, हिंदुस्तान में, हिंदू सोसाइटी में, हिंदुओं में जो एक बेसिक जो प्रेवलेंट प्रैक्टिस है वो क्लास बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है, ठीक हो, कास्ट बेस्ड है, क्लास बेस्ड है, ठीक हो गया, ब्राह्मण और उसके नीचे फिर तीन मुख्तलिफ और दर्जे। तो एक सोशल डिफरेंसेस जो है वो वहां पर उनके अपने रिलीजन में है, तो व्हाट टू टॉक ऑफ कंपैरिजन विद एनी अदर रिलीजन। इकोनॉमिक डिफरेंसेस में जो उनका निज़ाम है वो बेसिकली बेस करता है उसके ऊपर, वो बेसिकली बेस करता है सूद के ऊपर, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट के इर्द-गिर्द जो है वो मामला जो है उसका घूमता है, ठीक हो गया। तो एक तो वो हो गया कि इकोनॉमिक जो है वो एक जो सिस्टम है हिंदू सोसाइटी में वो रिवॉल्व अराउंड करता है आपके सूदी निज़ाम के साथ, ठीक हो गया। फिर एजुकेशनल के
तालीम, तो आप देख लें कि नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हमारे उनके लिटरेसी रेट दोनों का, उसमें बहुत बड़े गैप्स थे क्योंकि उसमें भी उनको काफ़ी एज था, तो वी वर नॉट इन अ पोजिशन टू कम्पीट विद दैम। पोलिटिकल डिफरेंसेस आप देख लें कि जो पोलिटिकल थाट प्रोसेस था वो भी काफ़ी, उसमें भी काफ़ी फर्क था दोनों के। जिस तरह आप देख लें कि नेहरू जो है वो इंडिया में यूनिटरी स्टाइल पे ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर सेंटर के पास, यानी जहाँ पे हिंदू डोमिनेशन हो, और कायदे आज़म जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे और ज़्यादा नुमाइंदगी चाहते थे मुसलमानों की, ठीक हो गया। लैंग्वेज, लैंग्वेज आप देखें कि उर्दू वर्सेस हिंदी, हिंदी वर्सेस उर्दू, तो दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं मुख्तलिफ जिंदगी के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे, उस पर काफी गैप्स जो है वो आपको नजर आते हैं। व्हाट वर द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स कौन से हैं? इस्लाम, इन्हें Islam is like in ideology of Pakistan is like roundabout. Roundabout mean ke usi ke ird-gird jo hai wo hum ghoom rahe hain Islam ke ird-gird, theek ho gaya. Islam hamara mehwar hai, Islam hamara mehwar hai is pure mamle mein, theek ho gaya, theek ho gaya. Aur फिर आप देखें कि फिर अगेन ये देखें कि इसमें जो असल इशू है वो क्या है, कि इस्लाम की बात तो हम करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आप देखें कि व्हाट इज़ द अप्लाइड साइड ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इस्लाम की जो हम बात करते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इसमें कि बातें तो हम इस्लाम की बहुत करते हैं, लेकिन What about its practical जो implications हैं इसकी, यानी practical जो dynamics हैं वो आपको बहुत जो है वो कमज़ोर जो है वो उसमें नज़र आती है, हो गया। तो Islam often had been used as a जिसको है ना, Islam को use किया गया for political objective, जिस तरह हमने थोड़ी देर पहले PNA की बात की थी, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद, तो उनका मकसद इस्लाम लाना गालिबन नहीं था, वो उनका मकसद जो था वो भुट्टो को भेजना, वो मकसद था बुनियादी, ठीक हो गया। उनका बुनियादी मकसद जो था वो भुट्टो साहब को जो है वो भेजना था वापस, ठीक हो गया। तो ये असल में डायनामिक्स है कि इस्लाम को जो है वो अपने जो है वो मकासद के लिए अच्छा, इससे एक और आपको मैं असाइनमेंट देता हूँ, इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, इस पे जरा असाइनमेंट करें आप लोग, कोई 5-6 सफ़े 8 सफ़े लिखें, इंटरनेट से डाउनलोड करें अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान, इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान जो है ये यानी कैसे पाकिस्तान में इसके साथ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेके आज तक कौन से वो इकदाम हैं कि जो रियासत ने किए और हुकूमतों ने किए रियासत को इस्लामाइज करने के लिए। देन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मोर देन 32 ईयर्स, मेहवर मीन्स सेंटर, मेहवर मीन्स सेंटर, सेंट्रल पॉइंट, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फॉर मोर देन 32 ईयर्स पाकिस्तान रिमेन्ड विदाउट डेमोक्रेसी। और फिर आप देखें कि डेमोक्रेसी विद इन, मैं अक्सर कहता हूँ कि दैट इज अ मिसिंग लिंक, डेमोक्रेसी विद इन दैट इज अ मिसिंग लिंक, यानी इन्हें घर में देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज में देख लें,
करिकुलम में देख लें, मीडिया में देख लें, पॉलिटिकल पार्टीज में देख लें, तो अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी सिर्फ दिखावे की है, ठीक हो गया। डेमोक्रेसी मीन्स टू वे ऑफ कम्युनिकेशन, लाइक इट्स टू वे प्रोसेस, इट्स नॉट वन वे प्रोसेस। वन वे प्रोसेस नहीं है डेमोक्रेसी। सोशल जस्टिस, इक्वालिटी एंड सोशल रिस्पॉन्स। सोशल जस्टिस मीन के समाजी इंसाफ, के टू टेक केयर ऑफ गालिबन आप देखें कि आर्टिकल आइन में 37 है गालिबन, जो सोशल जस्टिस को देख के आप देख लीजिएगा, 37 और 38 गालिबन दोनों इसको कवर करते हैं। 36 तो माइनॉरिटीज के हवाले से है, तो आप इसको जरा देख लीजिएगा कि सोशल जस्टिस के जो जो लोग माजूर हैं, जो लोग गरीब हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग जो बेवाएं हैं, जो यतीम हैं, जो मिस्कीन हैं, जो मुसाफिर हैं, सो उनको कौन, हु विल टेक केयर ऑफ देम। सो वो सोशल जस्टिस का भी हमने कहा कि वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एक सोशल जस्टिस का जो एक एस्पेक्ट है दैट इज, वो भी प्रोवाइड करेंगे। इक्वालिटी, इक्वालिटी अगेन, इक्वालिटी मीन्स के मेरे नज़दीक दैट इज इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ क्या है, दैट इज इक्वालिटी। इक्वालिटी, ठीक हो गया। एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, के जिम्मेदारी का एहसास, एंड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान में ड्यूरिंग लास्ट 70 ईयर्स और सो देर इज मच टॉक अबाउट fundamental human rights, and there is a dedicated chapter of fundamental rights in the constitution as well, but there is hardly any talk about the responsibilities. Hum isko isolation mein dekhte hain aur hum aksar baat karte hain fundamental rights ki, lekin us rights ki baat jab hum karte hain utna hum responsibilities ka jo aspect hai wo exclude karke karte hain, aur isiliye hamare yahan जो इंप्लीमेंटेशन है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स की, या रिस्पेक्ट है फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के लिए, वो आपको बहुत वीक जो है वो आपको नजर आएगा, ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि जनाब ये बेस्ड है टू नेशन थ्योरी पे, कि ये दो कौमी नजरिए पे बेस्ड है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह, ये हमने फिर पढ़ा भी उसमें इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इफ यू रिमेंबर फ्यू डेज अगो, के सॉवरेनिटी यानी हाकमियत का हक जो है वो अल्लाह के पास है, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलोन। जस्टिस के जो आपका अदल है वो इसका फंडामेंटल पिलर जो है वो इसका पिलर है, ठीक हो गया। तो जस्टिस पाकिस्तान में आपको देखें, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा कि जस्टिस हेयर इज अ डिलेड एंड डिलेड और कॉस्टली फिनोमिनन है, और जस्टिस जो है वो उसमें सर्टिनिटी ऑफ पनिशमेंट नहीं है, ठीक हो गया। एंड ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों का पाकिस्तान में जस्टिस के हवाले से, एंड जस्टिस जो है वो खास तौर पे जो एपेक्स कोर्ट का जो रोल है टू अपहोल्ड द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू गार्ड द सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द जॉब ऑफ द एपेक्स कोर्ट। तो वो उसमें आपको वो रोल हमारी सुप्रीम कोर्ट का बहुत वीक नजर आता है, अगर हम 70 सालों में इसका रोल देखें कि कितनी मरतबा खड़े हुए हैं उस इकदाम के खिलाफ, उस कदम के खिलाफ कि जिसमें कभी कॉन्स्टिट्यूशन की सेंट्रिटी को वॉयलेट किया गया, ठीक हो गया। वो नजरिया ज़रूरत के तहत जो है वो ज़्यादातर जो है वो चलती रही है, तो अगर आप नज़रिया ज़रूरत के तहत चलते रहेंगे और आप गलत को ठीक और अदरवाइज करते रहेंगे चीज़ों को, तो फिर दैट मे नॉट वर्क। इक्वालिटी मैंने अभी आपको बताया कि इक्वालिटी मीन्स के द इक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉ व्हेन यू आर
having authority. So how you like how you आप कैसे उसको जो है वो अप्लाई करते हैं, जब आप विक्टिम को ट्रीट करते हैं और एक्यूज को ट्रीट करते हैं तो कैसे ट्रीट करते हैं? क्या आप उनको उनके स्टेटस के मुताबिक करते हैं कि नहीं? आप उनको उनके उस अमल और उस जो रिलेशनशिप जो डेवलप हुआ होता है विक्टिम और एक्यूज के दरमियान में, उसके मुताबिक अगर आप उसको कोई डिस्क्रिशन यूज कर रहे हैं, कोई कंसेशंस दे रहे हैं, तो दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इक्वालिटी, इक्वल राइट्स फॉर नॉन मुस्लिम सिटीजन। तो फिर आप इसका वो भी देख लें, गालिबन आर्टिकल 36 है आईन में, तो उसको भी आप देख लें कि माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं वो क्या हैं, व्हाट आर व्हाट अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी, उसको भी जरा काइंडली वो आपको देखिएगा। तो माइनॉरिटीज के राइट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और आप उसमें देखिएगा कि हमारे यहाँ जो है वो उसके जो अप्लाइड साइड है माइनॉरिटीज के राइट्स के हवाले से, तो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक हो गया, तो माइनॉरिटीज के राइट्स के ऊपर जरा आपने जरूर बात करनी है। ठीक हो गया। और डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो है अगेन डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिशन आई शैल से डेमोक्रेसी बेटे जो है वो इसका आगाज मेरे ख्याल से घर और माँ की गोद और फिर मीडिया के कंटेंट्स और सिलेबस और फिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एंड देन फाइनली मुआशरा। तो ये अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको डेमोक्रेटिक फैब्रिक जो है वो बड़ा कमज़ोर नज़र आता है। वी टॉक टू एक्सटेंसिवली अबाउट डेमोक्रेसी बट वी रेयरली एग्जिबिट डेमोक्रेटिक जो एक वी रेयरली एग्जिबिट डेमोक्रेटिक पैशंस। डेमोक्रेटिक पैशन ये है कि हम एक्नॉलेज करें अपनी गलती को, हम अप्रिशिएट करें अपने मुखालिफ की अच्छाई को, ये हमारे यहाँ नहीं है। जिसको हमने पसंद करना है बस वो अच्छा है और बाकी सारी दुनिया बुरी है। जो बुरा है वो बिल्कुल ही बुरा है, वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। ऐसे डेमोक्रेटिक जो है इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बेस्ड डेमोक्रेसी में जो है वो रियल डेमोक्रेसी नहीं चल सकती जो सिर्फ इंडिविजुअल्स के पीछे भागती हो। ठीक हो गया। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आएगी, बातचीत करेगी और चली जाएगी, और जब स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होंगे, इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होंगे तो कमज़ोर लोग भी वो मुल्क जो है वो चला लेंगे। तो ये जो है हम स्टेट क्राफ्ट जो है रियासत को जो चलाना है वो लोगों के एहसासात और जज्बात को समझकर उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर ही चलाया जा सकता है, ना कि जो है सख्त गिर रवैया रखने से या अपने मुखालिफ को एब्यूसिव लैंग्वेज अगर आप यूज़ करेंगे कोई भी एनीवन, तो आप देख लें कि पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक कल्चर है वो कैसे इरोड होता जा रहा है, जिसमें देर इज लेस स्पेस फॉर आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स। सो आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स जो है वो हमें बहुत कम जो है वो दिखाई देती है इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, देन देन जी आपका अब हम आते हैं कि कैसे, अब हमने कहा था ना ये यहाँ पे मैं दोबारा ले जाता हूँ तो आपको याद आए, ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, ए दिस वन, ये याद है, ये हमने याद हिस्टोरिकल इवेंट्स याद है, ये हिस्टोरिकल इवेंट्स ये सारा आपको याद होगा। ठीक हो गया। और
अब हम इसके साथ लिंक करते हैं कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी जो है वो क्या है बेसिकली। ठीक हो गया, फिर आप देखें कि एक तनाज़ा तारीख में जिसने शेप किया हमारे ओपिनियन को, जो भी हमारी दोस्त कह रही थी कि फैब्रिकेटेड, अब वो देखें ना वो जो भी तासुर आप लेना चाहें, लेकिन हम तो एक ऑफिशियल नैरेटिव की बात कर रहे हैं, एक सीएसएस के इम्तिहान पास करने की बात कर रहे हैं, हमने तो यहाँ पे उसके साथ रिलेट करना है इस पूरे मामले को। तो आप देखें कि ड्यूरिंग लास्ट डेज ऑफ मुस्लिम रूल, मुसलमानों के आखिरी दौर में, आखिरी दिनों में, उनके दौर में उर्दू जो है उसको ज़्यादा पजीराई मिली, लोगों की ज़ुबान बनी, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में सरकारी ज़ुबान दफ्तरों में और ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है वो उर्दू में बनाया जाने लगा। हिंदूज वर बायस्ड, हिंदूज जो थे दे हैड बायस्ड, मैंने आपको यहाँ पर भी के देखे लैंग्वेज जो मैंने आपको बताया, ठीक हो गया। सो उन्होंने जो है वो दे हैड बायस्ड ओपिनियन अबाउट उर्दू एज इट वॉज द मुस्लिम लैंग्वेज, कि ये शायद मुसलमानों की जुबान है। दे डिमांडेड हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज और उन्होंने कहा कि जो जुबान है इसको रिप्लेस, मुझे एक मिनट देते, मैं इंटरनेट पर कोई चीज चेक करना चाहता हूँ, मेरे जहन में आई है, तो अगर आप इजाजत दे तो एक मिनट में, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, अगर ना मिली तो माजरत कर लूंगा। चलिए, मुझे जो चीज़ मैं देखना चाह रहा था मुझे नहीं मिली, तो मैं अपनी बात जारी रखता हूँ, ठीक हो गया। ओके, अच्छा बेटे, इस तरह के हम बात कर रहे थे हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी की, तो उसमें हम यहाँ तक पहुँचे थे कि जो आपका हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी में उन्होंने ये समझा कि शायद हिंदी जो है, उर्दू जो है, ये मुसलमानों की जुबान है, हालांकि ये मुसलमानों की जुबान नहीं थी, क्योंकि मुसलमानों की जुबान तो या अरबी थी या फिर आप पीछे हद तक फारसी को कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों की जुबान है और आप हिंदी में आ गए। तो डेमोन्स्ट्रेशंस की गई, प्रोटेस्ट किए गए उर्दू के खिलाफ बनारस में, और इससे एक तनाज़ा जो है स्टार्ट हुआ, और सर सैयद अहमद खान ने उसको कैसे कंक्लूड किया। सैयद अहमद खान ने वार्न किया यानी अबाउट अनस्टेबल, यानी अबाउट जो अबाउट एक एक एक, एक, एक ना हमवार एक एक शाहरा की तरफ इशारा किया, जिसकी तरफ हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हैं वो गामजन थे, और उन्होंने इस, और ये वो शख्स था कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करता था, जो एक मॉडरेट ओपिनियन रखता था। तो हिंदू स्ट्रगल विग्रसली टू रिप्लेस उर्दू बाय हिंदी इन द ऑफिसेस, दिस एनहांस द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंस ऑफ मुस्लिम सेपरेटिज्म। तो ये जब मुसलमानों में ये सोच आई कि ये तो ना हमारी जुबान है और ये हमारे साथ बांध दिए इन्होंने,
और ये इस वजह से हमारे साथ एक बायस एटीट्यूड रख रहे हैं, तो उन्होंने एक जुदागाना सोच जो है वो एक स्ट्रेंथन होना जो है वो शुरू हुई। कंक्लूजन ऑफ द कंट्रोवर्सी वाज दैट मुस्लिम्स लाइक सर सैयद हु हैड बीन स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स इन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इसका जो खुलासा क्या है इस तनाजे का कि मुसलमानों के रहनुमाओं में उस वक्त के सर सैयद अहमद खान जो हमेशा से हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक की और इत्तेहाद की बात करते थे और उनका मोतदिल मिजाज आदमी थे, मोतदिल ख्यालात के हामी थे अबाउट अदर कम्युनिटीज, वर अल्टीमेटली इंड्यूस जो वो इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि मुस्लिम्स जो है ये पहली मर्तबा पाकिस्तान बनने से तकरीबन 80 साल पहले पहली मर्तबा जो है इस बात पे इत्तेफाक किया कि मुस्लिम्स को पहली मर्तबा सेपरेट नेशन जो है वो कहा गया। जो हम टू नेशन थ्योरी की बात करें ना, तो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी के बाद पहली मर्तबा जो है उनको सेपरेट नेशन कहा गया, सर सैयद खान एंड टू नेशन थ्योरी, द मैन हु स्पोक फर्स्ट द मुस्लिम्स एज अ नेशन, पहली मर्तबा, ये मैंने आपको दोबारा ये देखा ना, सेपरेट नेशन पहली मर्तबा। तो जिस शख्स ने पहली मर्तबा कौम का लफ्ज यूज किया अलहदा कौम मुसलमानों के लिए, वो और कोई नहीं था बल्कि वो शख्स था जो हमेशा इन दोनों के दरमियान में इत्तेहाद की बात करता था आजादी से 80 साल पहले। आई एम कन्विंस्ड, मैं इस बात पे मुझे कोई शक व शुबा नहीं है दैट बोथ दीज नेशंस, क्या वर्ड यूज किया, टू नेशन थ्योरी की हम बात कर रहे हैं ना, बोथ दीज नेशन, ये दो कौमें एक नहीं का विल नॉट ज्वाइन होल हार्टेडली इन एनीथिंग, ये सिद्ध के दिल से एक दूसरे के साथ इत्तफाके राय नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ नहीं चलेंगे। एट प्रेजेंट अभी बड़ा रियलिस्टिक स्टॉक टेकिंग भी है, अभी यानी कब 1867 में, देर इज नो ओपन हॉस्टैलिटी इन दोनों के दरमियान में, कोई ऐसा मुतसादिम सूरत हाल नहीं है, एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है, एक दूसरे से क्लैश नहीं है कोई इनका फिजिकल, नो हॉस्टैलिटी बिटवीन द टू नेशन, बट ऑन अकाउंट्स ऑफ सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल इट विल इंक्रीज इन द फ्यूचर। लेकिन इन जो एजुकेटेड दोनों के दरमियान में नहीं है ऐसा कोई बात, लेकिन जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल जो है, इन सो कॉल्ड एजुकेटेड मीन के सोसाइटी में जो इलीट क्लास होती है, जो पढ़ी लिखी क्लास होती है, जो रहनुमाई करती है अपनी कौम की या अपने लोगों की ग्रोह की, वो हमेशा राइट्स की बात करते हैं, वो अपनी हमेशा शेयर्स की बात करते हैं, वो हमेशा पावर्स की बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब ये लोग एजुकेटेड लोग पावर्स की बात शेयरिंग की बात करेंगे, रिसोर्सेज की शेयरिंग की बात करेंगे और अपने हक की राइट्स की बात करेंगे, तो ये हॉस्टिलिटी जो है वो फ्यूचर में इंक्रीज होगी। तो ये बात उन्होंने 80 साल पहले जो है वो उसकी पेशगोई कर दी थी इन्हें पाकिस्तान बनने से। सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुए, इनकी फैमिली जो है अफगानिस्तान से हिजरत करके आई थी हिरात से, इनकी फैमिली जो है प्राइमरीली एसोशिएटेड रही मुगल दरबार के साथ, और उन्होंने जितने शुरफा थे उस वक्त वो क्या सीखते थे, जुबान सीखते थे, अलूम सीखते थे और मजहब के बारे में मालूमात उनको दी जाती थी। तो इन्होंने कुछ वक्त लगाया जुबानें सीखने पे और कुछ इनको जुबानें सिखाई गई, कुछ इनको अरेबिक पर्शियन उर्दू और कुछ इनको अलूम सिखाए गए, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी और कुछ इनको इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस और रिलीजियस इश्यूज। और इनके जो दोनों ग्रैंडफादर्स थे, यानी नाना और दादा, वो दोनों जो थे वो दरबार के साथ वाबस्ता थे, यानी देवर एसोसिएटेड विद थी, यानी वो जिसको आप ब्यूरोक्रेसी आज मॉडर्न जबान दरबारी जिसको कहते हैं, ठीक हो गया। लर्न कुरान एट होम, यानी घर पे कुरान पाक पढ़ा, मजहबी तालीम जो थे एक सूफी थे शाह गुलाम हुसैन, उनसे हासिल की, और इनकी एसोसिएशन जो थी वो गालिब और इमाम बख्श और सदरुद्दीन आज़ुर्दा जैसे अदबी शख्सियात के साथ। मदर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हिज अपब्रिंगिंग, और आफ्टर द फादर्स डेथ ही वाज इन सर्च ऑफ जॉब, और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से में जॉब हासिल की। लाजमी बात है उस वक्त कोई हाई प्रोफाइल जॉब्स तो नहीं देते थे, गुलामी का दौर था, तो ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ क्लर्क एंड देन ही वाज प्रमोटेड एज नाइब मुंशी के तौर पे जो है वो प्रमोट हुए, एंड देन ही अस्यूम्ड ऑफिस ऑफ द सब जज,
एट फतेहपुर सिकरी, फिर जो है वो इनको फतेहपुर सिकरी में जो है वो जज के तौर पे जो है वो प्रमोट हो गए मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर सैयद अहमद खान जो थे वो प्राइमरली ही वॉज अ ब्रिज बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द वाइट पीपल, दोज हु वर रूलिंग इन इंडिया। तो दे हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर सर सैयद अहमद खान बिकॉज मुस्लिम्स जो थे उस वक्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार थे बिकॉज मुसलमानों को एक लंबा हुक्मरानी का दौर गुजरा हुआ था। तो सर सैयद अहमद खान के व्यूज डिफरेंट थे, उनका यह ख्याल था कि हम इनके साथ एक हॉस्टाइल पोस्ट पॉस्चर में रहकर हमारी जिंदगी जो है वो सेटल नहीं हो सकती क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है और पावर जो है अंग्रेज के पास है, तो अगर ये दो मिल जाएंगे तो हमारे लिए जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। सो ही वॉज अ सॉर्ट ऑफ मॉडरेट पर्सन के वो चाहते थे कि मामला जो है उसको थोड़ा सा एतदाल के साथ जो है वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। और लॉर्ड लिटन उनको पसंद करते थे, लॉर्ड लिटन अपॉइंटेड हिम एज मेंबर ऑफ द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और उनके क्रेडिट पे जो है वो ये है कि उन्होंने इंडियन की वेलफेयर के लिए एक जो है वो पेश किया बिल जो आज भी तारीफ का हिस्सा है। तो दिस इज ऑल लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर पेशेंट लिसनिंग और मैं दुआगो हूँ आपकी कामयाबी के लिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और स्टे सेफ एंड अलाइव। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। जो मैंने आपको बताया ह्यूमन राइट्स के बारे में और माइनॉरिटीज के राइट्स के बारे में, और एक और बात आपको, हाँ, इस्लामाइजेशन के बारे में, बेटे ये जरूर आप इंटरनेट से ना ये चीजें करें ताकि कुछ 5-5, 6-6 सफ़े इसके बारे में लिखें ताकि आपको थोड़ा सा उसमें फायदा हो जाए। और CSS में ये ना देखा करें कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को डेवेलप करें, इधर उधर दाएं बाएं लेफ्ट राइट फ्रंट बैक इधर उधर जो है ना झांके देखें कि क्या जो है वो इसमें से और चीजें निकल सकती हैं, ठीक हो गया ना। तो ये है कि एक टॉपिक पे नहीं आपने कंफाइन रखना, उसमें से और चीजें निकालनी। चलें, खुश रहे और आबाद रहे। आपके नेक कलमात का बहुत शुक्रिया सबका। अस्सलाम वालेकुम।